सोच रहे हैं कि मोदी जो है कभी चुनाव से हार ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के लोगों को भी यही गलतफहमी थी। और सत्ता और प्रकृति का एक नेचुरल नियम होता है, प्रकृति अपने हिसाब से न्याय करती है, कोई भी तानाशाह और अगर कोई जो बहुत बड़ा सोचता है कि हम अजय हैं, अमर हैं, उनकी विदाई होनी तय होती है, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनकी विदाई होगी, अपने हिसाब से होगी, नेचर कर देगा इनकी विदाई। अब ढिठाई का जवाब ढिठाई से भी कभी कभी देना पड़ता है, कहा जाता है सरे साठे समाचरे। तो सवाल इस बात का है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो हमने चूड़ी पहन रखी है क्या कि हम राजनीति नहीं करेंगे? आजकल लोग चूड़ी पहन के भी राजनीति करते हैं, टठिया के ओर से राजनीति करते हैं, घूंघट ओढ़ के राजनीति करते हैं। अब रामदेव बाबा तो सलवार, महिला का सलवार पहन करके भागे थे वहां बाल खोल के अपना दिल्ली के रामलीला मैदान से। आज तक उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं करने दिया कि उन्होंने क्यों जो है बाल खोल के महिला का सलवार पहन के भागे थे। नरेंद्र मोदी की लाठियों से बहुत लोग समझदार हो गए हैं और उसमें राहुल गांधी भी एक हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2013 में लालू यादव की सदस्यता गई थी, आपको थोड़ी सी बात याद होगी, वो भी किसी मामले में कन्विक्ट हो गए थे। मनमोहन सिंह, हाँ मनमोहन सिंह थोड़ा उनको बचाना चाहते थे, एक अमेंडमेंट शायद पार्लियामेंट में लाने का था, कोशिश की जा रही थी जिससे कि लालू यादव की सदस्यता बची रहे। आपको याद होगा कि यंगरी यंग विंग की एकदम भूमिका में राहुल गांधी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शायद गए और उन्होंने वो पूरा उसको फाड़ के अपने ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मनमोहन सिंह के उस फैसले पे क्वेश्चन उठा दिया था और बाद में शायद मनमोहन सिंह उसके कारण पीछे हट गई, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने वो अमेंडमेंट नहीं किया। और आप ये देखिए कि समय का फेर देखिए, राजनीति का फेर देखिए कि सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर गए, शाम को फोटो आया, आपको याद होगा, देखे होंगे, कल से बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। तो ये मजबूरियां बहुत सारे लोगों को समझदार बनाती है। आखिर सॉलिसिटर जनरल जो है गुजरात हाई कोर्ट की ओर से क्यों उन्होंने माफी मांगी कि आप जो है इसमें ज्यादा तल्ख टिप्पणी मत कीजिए, उससे जो है हौसला टूटे, किसका हौसला टूटेगा? अगर गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ही जो है वो न्यायपालिका का ही एक हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट अगर गुजरात हाई कोर्ट या उसके नीचे की अधीनस्थ न्यायपालिका अगर कुछ गड़बड़ी करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर पास करता है तो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं उसको जो है वो कि उसके लिए माफी मांगने वाले या उसके लिए लीनियंसी बरतने का रिक्वेस्ट करने वाले, कोई प्राइवेट पार्टी तो है नहीं। राहुल गांधी एक बड़े नेता है तो ये फिर लोकसभा जो है, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा का जो जनरल सेक्रेटरी है, दोनों की कार्यशैली की स्क्रूटनी की जाएगी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, क्योंकि जिस ढंग से अधीर रंजन चौधरी ने कल बताया कि किस तरह से उनको इधर से उधर घुमाया गया है, कभी लोकसभा सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद लोकसभा सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने भी आगे भेजा, अंडर सेक्रेटरी ने उसको रिसीव किया, उस पर मुहर नहीं लगाया जो उनकी रिसीविंग है, सिंपल साइन किया, ये सारे जो घटनाक्रम की लोकसभा स्पीकर बोले को तो बाहर है, तो ये सारे घटनाक्रम साफ दिखाता है कि अभी ये राहुल गांधी के परछाई से भी डर रहे हैं लोकसभा के अंदर। सचिवालय ने भी एक बयान जारी किया कि साहब इतवार, शनिवार और इतवार को छुट्टी है, सोमवार को इस ऑर्डर को जो है देखा जाएगा इसकी वैधानिकता क्या है, वैलिडिटी क्या है, सब ऑर्डर वगैरह सब सही है कि नहीं है, तब जो है उसके बाद जो है वो स्पीकर इस पर कोई निर्णय लेंगे। अभी ये मामला कल के लिए आ गया है कि सोमवार को इस पर स्पीकर निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। अंग्रेजी की ये दो कहावतें हैं, भारत में तंत्र, शासन तंत्र किस तरह काम कर रहा है इसको ध्यान में रखते हुए अगर समझेंगे तो बहुत सारी बारीकियां स्पष्ट होंगी। 2 साल की सजा मिली राहुल गांधी को और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सजा मिलते ही 26 घंटे के अंदर उनकी जो सदस्यता थी संसद की समाप्त कर दी गई, आनंद फानंद में बंगला भी खाली करा लिया गया। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, सीधे जनता के बीच गए, खेत खलिहान ट्रैक्टर में घूमते नजर आए। अभी हाल ही में, अभी कल की बात है, बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम शंकर कठेरिया, 2 साल की उनको भी सजा मिली। कल सोमवार है, कब उनकी सदस्यता खत्म हो रही है भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता
भंग करने वाली जो सजा थी उस पर रोक लगाने के बावजूद 26 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई। कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी ने चिट्ठी लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। कई नेता लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। क्या है मामला? क्या रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा या बीजेपी अपने मनमानी से टाल मटोल करती रहेगी? अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपको कानून दिखाता हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो खास मेहमान लगातार आप अंबेडकर नामा पर सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, वकील, अधिवक्ता है, और संजीव पांडे साहब है, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, ऑथर। दोनों खास मेहमान से इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। स्वागत है सर अंबेडकर नामा। जेपी सर, आप ही शुरू करते हैं। देखिए सर, दरअसल राहुल गांधी के मामले में शुरू से राजनीति हो रही है जी, और राहुल गांधी भी राजनीति में पीछे नहीं है। जिस समय इनकी सदस्यता समाप्त हुई, उस समय एक जो है डेट रखी गई कि आप इस डेट तक अगर कोर्ट से आपको राहत मिल गई तो ठीक है, वरना आपको बंगला जो है 18 या 19 मई को खाली करना पड़ेगा। ये लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी तत्काल इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से जब रिश्ते मिला तो हम लोग ये कहेंगे कि ये इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि थ्रू प्रॉपर कोर्ट क्यों नहीं आ पाए। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है थ्रू प्रॉपर कोर्ट आप नहीं आए तब तक आपकी सजा स्टे रहेगी, बाकी आप थ्रू अंतरिम रूप से तब तक आप थ्रू प्रॉपर कोर्ट आइए। लेकिन राहुल गांधी को भी लग रहा था जैसे कोई जल्दी नहीं है, और जो मकान खाली करने की डेट थी उसके दो चार दिन पहले से ही राहुल गांधी ने पैकिंग शुरू कर दी, अपना सामान जो है वो अपनी माताजी के घर 10 जनपद में भेजना शुरू कर दिया, और उन्होंने बिल्कुल टाइमली जो है वो खाली कर गए। उसकी भी सब फुटेज गोदी मीडिया पर और भी जगह सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा चली कि वो और प्रियंका गांधी जो है वहां से निकल रहे हैं, ताला चाबी दे रहे हैं। राहुल गांधी थ्रू प्रॉपर आए, पहले उन्होंने लोअर कोर्ट का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, वहां से स्टे नहीं हुआ। उन्होंने उसके बाद जो है हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने 66 दिन फैसला जो है लिखने में और सुनाने में लगाया, 66 दिन। और लोअर कोर्ट ने भी जो फैसला था उसको कहा कि साहब अभी छुट्टियां हो रही हैं मई में, और छुट्टियां होने के बाद अब जब जून में खुलेगा उस छुट्टियों के दौरान में लिखूंगा तो फैसला सुनाऊंगा, तो आपको फैसले की जब कॉपी ही नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, कैसे आप आगे जाएंगे। फिर वहां से सेशन कोर्ट गया मामला, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी 66 दिन में फैसला सुनाया, और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में अखबारों में छपा भी है कि जो है वो जस्टिस गवई ने जिनके कोर्ट में ये मामला था उन्होंने इसके लिए काफी जो है वहां उसकी जो है क्या कहते हैं हाई कोर्ट के जज की आलोचना भी की कि इन्होंने इतने 100 पेज में जो है जजमेंट लिखा, इतना लंबा चौड़ा जजमेंट लिखा, इसमें भी लिखा, तिस्ता सीतल वार में भी लिखा, और जो मुख्य मुद्दा था उसी को छोड़ दिया। वो मुख्य मुद्दा था कि आखिर जो मैक्सिमम सजा दी गई वो क्यों दी गई, अगर किसी को भी इस तरह के कंप्लेंट केस है उसमें मैक्सिमम सजा दी जाती है जिससे उसके संसद सदस्यता प्रभावित हो सकती है तो उसमें जो है क्या कहते हैं ये भी उसको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों हम जो है वो मैक्सिमम सजा दे रहे हैं। उन्होंने नहीं दिया। 66 दिन में जो हाई कोर्ट के जज साहब ने कलम तोड़ा उन्होंने भी ये नहीं बताया कि हाँ कि ये इनने उस पर सवाल उठाया कि इतना जो है मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। उन्होंने और भी दुनिया भर के फ्रेजेज और उसका अपने जजमेंट में इस्तेमाल किया, तो उसको गवाही साहब ने कहा यहाँ तक कि तुषार मेहता म्यों म्यों करने लगे और उनको हाथ जोड़ के एक प्रकार से इनडायरेक्टली कि लीगल भाषा में उनसे सरकार से वो करना पड़ा कि सरकार गुजरात हाई उससे मतलब जज साहब से कि मान्यवर आप जो है मिलाड गुजरात हाई कोर्ट के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करिए, नहीं तो जो है वो वहां उसका हौसला टूटेगा, उससे मॉरल जो है डाउन होगा, और जो है क्या कहते हैं आप ही लोग कहते हैं कि भाई डिटेल फैसला दो, तो उन्होंने कहा हम लोग कहते हैं डिटेल फैसला लो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ललित निबंध लिखिए,
आप जो भी मुद्दे हैं, जो कानूनी मुद्दे हैं, उनके ऊपर जवाब दीजिए, इसके लिए डिटेल फैसला मांगा जाता है ना। ललित निबंध लिखने के लिए थोड़ी डिटेल फैसला जो है क्या कहते हैं मतलब लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे कि आखिर मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दिया गया, फिर टोटल मामला कंप्लेंट पर है, उसमें भी ट्विस्ट है कि जब जब जो है साक्ष्य मांगा गया तो पहले वाले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे ये हाई कोर्ट चले गए, वहां से स्टे करा दिया, और फिर जब उनके अनुकूल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए तो इन्होंने वहां से उसको वो करा के फिर ले आए, और खटाखट खटाखट हुआ मामला, यहाँ भी हुआ वहां भी रिजेक्ट हो गया, वहां गया तो 6-6 दिन तक उन्होंने इसलिए डिले रखा कि अगर हम 6-6 दिन के पहले करेंगे तो पहले जो है वो हो जाएगा। अब मामला आ गया है कि सुप्रीम वहां आप क्या क्या कहते हैं संसद में 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की डेट ओम बिरला ने रखी है, और उसके बाद 10 तारीख को प्रधानमंत्री को जवाब देना है। अब यहां समस्या ये है कि वो जो वो रखेंगे उसके पहले ये बहाल करेंगे कि नहीं बहाल करेंगे। अब इनका जो है जजमेंट आया है शुक्रवार को, उसके बाद शनिवार इतवार को 2 दिन संसद का एक प्रकार से जो है वो सत्र का जो है अवकाश रहता है। इसमें अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से मिलने का समय मांगा, संभवतः समय नहीं मिला तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, इसके अलावा उन्होंने सचिवालय जो लोकसभा सचिवालय है वहां जाके जो है ऑर्डर को रिसीव करा दिया है। सचिवालय ने भी एक बयान जारी किया कि साहब इतवार शनिवार और इतवार को छुट्टी है, सोमवार को इस ऑर्डर को जो है देखा जाएगा इसकी वैधानिकता क्या है, वैलिडिटी क्या है, सब ऑर्डर वगैरह सब सही है कि नहीं है, तब जो है उसके बाद जो है वो स्पीकर इस पर कोई निर्णय लेंगे। अब ये मामला कल के लिए आ गया है कि सोमवार को इस पर स्पीकर निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे। अब होना ये चाहिए, या कांग्रेस की जो मांग है और भी विपक्ष की भी मांग है कि जब आपने 26 से 36 घंटे के भीतर इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, इनका मकान खाली करने का आदेश जारी कर दिया था, खाली करने के लिए भले आपने 1 महीने का समय दिया हो, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं तो आपको जब ये मिल गया ऑर्डर तो बहाल करने में क्यों इतनी जो है मतलब क्या कहते हैं मतलब इतना विलंब हो रहा है। तो विलंब का उन्होंने एक प्रकार से सचिवालय से कारण जारी कराया कि साहब जो है शनिवार इतवार का अवकाश है, अब सोमवार को ही जो होना होगा होगा, तो अब कल सोमवार को हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि ये भी करते हैं या उसको अभी और लटकाते हैं या ये कहते हैं कि हम विधिक राय ले रहे हैं। अब ऐसा एक मामला लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद फैजल के साथ हो चुका है, मोहम्मद फैजल के साथ, उनको हत्या के प्रयास में स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाई तो उनका जनप्रतिनिधि कानून के तहत जैसे राहुल गांधी का 2 साल की सजा होने के बाद जो है वो आपका क्या कहते हैं लोकसभा सचिवालय की ओर से सदस्यता रद्द कर दी गई, उसी तरह उनका भी रद्द कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कठेरिया जो है केरल, वो कठेरिया कहते हैं फैजल साहब जो है चले गए आपके क्या कहते हैं केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ने उस सजा को निलंबित कर दिया। सजा को जब निलंबित कर दिया तो ये सचिवालय गए, वहां उन्होंने उसका आदेश उदेश दाखिल किया, दाखिल करने के बाद भी इनकी सदस्यता बहाल नहीं हो रही थी पता नहीं किन कारणों से, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने बताया कि इस तरह से हमारी रद्द हुई थी, उपचुनाव का ऐलान हो गया, अभी उपचुनाव हुआ नहीं था लेकिन वो सदस्यता जो है क्या कहते हैं हमारी वहां से बहाल हो गई। इसके बाद भी सचिवालय को सबको हमने सब बकायदे उसकी सर्टिफाइड कॉपी सब रिसीव करा दिया, इसके बाद भी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्यों नहीं हो रहे, जब जवाब तलब किया तो तुरंत ही इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई और उपचुनाव को रद्द कर दिया गया। अगर फैजल को यह राहत न मिली होती तो अब तक तो राहुल गांधी की सीट से उपचुनाव हो जाता, उसी तरह जैसे आपके गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा हुई, उनको तुरंत सदस्यता इन्होंने उनकी तुरंत जो है वो 24-36 घंटे में उनकी सदस्यता जो समाप्त कर दी, हालांकि वहां उपचुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है। अब अफजाल अंसारी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनकी सजा जो है वो उसमें जो है उनको जमानत मिल गई लेकिन उनकी सजा को निलंबित नहीं किया हाई कोर्ट ने, तो जमानत पर वो रिहा हो गए तो नहीं लंबित किया, तो अब वो संभवतः राहुल गांधी के जो है जो जजमेंट है या जो फैजल का जजमेंट है उसके आलोक में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई जैसे सजा निलंबित हुई वैसे हमारी भी निलंबित होनी चाहिए, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट भी ईडी एक्ट की तरह बहुत ही विवादास्पद है, जो तमाम मामलों को देखते हुए गैंगस्टर लगा दिया जाता है, जैसे आपके एनएसए लगा दिया जाता है या वो लगा दिया जाता है उसी तरह गैंगस्टर एक्ट भी है, उसके लिए नहीं कि ये अपराध किया इसलिए गैंगस्टर एक्ट लगा दिया,
उसके लिए डायरेक्ट अपराध का मामला नहीं है, वो तमाम अपराधों की श्रृंखला के जो है कल्बिनेशन के रूप में गैंगस्टर एक लगाया जाता है। अब उसमें तो उनको वहां से राहत मिल गई, लेकिन अब वो भी जा सकते हैं, वहां भी इन्होंने चुनाव की घोषणा नहीं की। अब ये कल देखने की बात है, अगर ये ढिठाई करेंगे तो इनकी इमेज जनता में जो पहले ही खराब है वो और खराब होगी, और विपक्ष को के साथ जो है तमाम बौद्धिक लोगों को, जुरिस्टों को, कानूनविदों को इसका जो है आलोचना करने का मौका मिलेगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कल अचानक रात में मैं खोल रहा था तो एक यूट्यूब पर गोदी मीडिया खुल गया, उस गोदी मीडिया में एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के एक रिटायर्ड जज को बैठा रखा, तो जज साहब कह रहे थे कि ये लोकसभा में पास होगा कि इनकी सदस्यता बहाल की जाए कि नहीं की जाए, मतलब इतना एब्सर्ड बात। लेकिन अब चूंकि ब्राह्मण देवता थे और वो इस तरह की बात कर रहे थे, तो अब उसमें हम तो थे नहीं कि हम उनका प्रतिवाद करते। ये इस कोर्ट से जब सजा हो तो इसमें ये इसका कोई प्रावधान ही नहीं है कि जो है क्या कहते हैं वो सदन में रखा जाए और उस पर जो है क्या कहते हैं वो फैसला हो। हाँ, सदन में आप संशोधन कर सकते हैं कि 2 साल की नहीं, अब 2 साल की अगर एक बार सजा लोअर कोर्ट से हो गई तो इस्ते के बाद भी सदस्यता बहाल नहीं होगी, ये आप पास करा लें तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होगी, और उसको भी आप पिछले डेट से लागू करें जो कि फिलहाल होता हुआ संभव नहीं दिखता। इसलिए अब कल जो है मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इनको ढिठाई छोड़ के सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए। जी संजीव जी, एक पत्रकार के लिए सुप्रीम कोर्ट 12 बजे भी खुल सकता है, पत्रकार के लिए कई ऐसे काम होते हैं सरकार के जो शनिवार और रविवार को भी होते हैं। राहुल गांधी मामले में क्या बात है और रामशंकर कठेरिया पे आओ। जी देखिए, तो बात हो रही है कि रामाशंकर कठेरिया और मोहम्मद फैजल, दो इम्पॉर्टेंट जो आपने बात करी है, तो रामाशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और मोहम्मद फैजल जो थे वो एनसीपी के सांसद थे, तो ऑटोमेटिक है कि एक अंतर तो साफ है कि एक सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है और एक जो है विपक्षी दल से संबंधित है, और राहुल गांधी जो है वो तो मोहम्मद फैजल से भी बड़े नेता है। इनफैक्ट मोहम्मद फैजल तो एक एनसीपी के लक्षद्वीप के सांसद हैं, राहुल गांधी चूंकि राष्ट्रीय पटल पे हैं और राष्ट्रीय पटल पे इतने बड़े नेता के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि ये न्याय करेंगे और जिनकी भारत जोड़ो यात्रा से इनको बहुत परेशानी साबित हुई है, तो मुझे फिलहाल जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है मोहम्मद फैजल की तरह ही इनसे व्यवहार करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है तो ये फिर लोकसभा जो है, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा का जो जनरल सेक्रेटरी है, दोनों की कार्यशैली की स्क्रूटनी की जाएगी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, क्योंकि जिस ढंग से अधीर रंजन चौधरी ने कल बताया कि किस तरह से उनको इधर से उधर घुमाया गया है, कभी लोकसभा सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद लोकसभा सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने भी आगे भेजा, अंडर सेक्रेटरी ने उसको रिसीव किया, उस पर मुहर नहीं लगाया जो उनकी रिसीविंग है, सिंपल साइन किया, ये सारे जो घटनाक्रम की लोकसभा स्पीकर बोले को तो बाहर है, तो ये सारे घटनाक्रम साफ दिखाता है कि अभी ये राहुल गांधी के परछाई से भी डर रहे हैं लोकसभा के अंदर, क्योंकि विश्वास मत पे इनको ये डर है कि राहुल गांधी उस पर जवाब देंगे, विपक्ष की तरफ से बोलेंगे और प्रधानमंत्री सामने होंगे तो राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री सामना करेंगे, जिनको इतना मुश्किल से इन्होंने लोकसभा से बाहर निकाला और दोबारा वो कोर्ट के ऑर्डर से लोकसभा के अंदर आ गए, और फिर तमाम वो अदानी अंबानी और जो तमाम चीजें हैं मणिपुर से लेके और जो देश भर में घटनाक्रम हुए और प्रधानमंत्री की चुप्पी है, तो ऑटोमेटिक है कि राहुल गांधी के एब्सेंस में जब विपक्ष बोलेगा तो उतना नहीं सुना जाएगा, लेकिन जब राहुल गांधी खुद बोलेंगे तो निश्चित रूप से मोदी बहुत अनकंफर्टेबल होंगे प्रधानमंत्री जी जो है, और वो प्रधानमंत्री जी सामना करने से बहुत डरते हैं, प्रधानमंत्री तो विदाउट राहुल गांधी जो वहां पे विपक्ष के सांसद है उनका सामना करने से डर रहे हैं, उनको नहीं देख रहे और उसके बाद लगातार जो है उनको बुलाया जा रहा है, मणिपुर के बहस पे तो नहीं आ रहे हैं, तो जब अविश्वास मत पे तो कंपल्सन है उनको आना पड़ेगा, तो उनको जब आना पड़ेगा तो राहुल गांधी को कैसे सामना करेंगे, अब यही प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। जहां तक मेंबरशिप की बहाली की बात है और मेंबरशिप निरस्त करने की बात है, राहुल गांधी के मेंबरशिप 24 घंटे के अंदर निरस्त किया गया, 24 घंटे के अंदर जब निरस्त किया गया तो इनको यह लगा था कि मकान खाली कराएंगे तो जैसे बाकी सांसद होते हैं तुरंत हाथ पांव जोड़ने लगते हैं, हमारा मकान तो मत खाली कराओ जी, वो नहीं कराओ जी, जो इनकी आदत होती है
बहुत सारे सांसदों की आदत होती है कि मकान के लिए भी जाके वहां पैर पूर पकड़ देते हैं। कई सांसद हैं, तीन कमरे का फ्लैट मिलता है, चार कमरे का, तो वहां पे जाके गड़गड़ाते रहते हैं कि हमको बड़ी कोठियां दे दो, दो एकड़ वाला दो, ढाई एकड़ वाले दो, मुझे सुरक्षा को बहुत खतरा है। पंजाब के एक दो सांसदों को मैंने देखा जो अपनी सुरक्षा के नाम पे वहां जाके बड़े रोते पीटते रहे कि हमको तो कोई मार देगा जी, और बड़ी कोठियां लेके। तो इनको लग रहा था कि राहुल गांधी भी शायद उसी कैटेगरी में होंगे। सरस्ता तो चली गई, जैसे ही मकान खाली करेंगे तो मकान का जब ऑर्डर जाएगा तो राहुल गांधी आके गिड़गड़ाने लगेंगे अपनी सुरक्षा के नाम पे और तमाम चीजों पे। तो फिर हम दुनिया को बताएंगे कि देखिए तो एक मकान के लिए इतना रो रहा है, इतना लोभी है। तो वो भी वहां पे राहुल गांधी ने इनके सारे प्लान को फेल कर दिया। जैसे आपको याद होगा कि अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता है राघव चड्ढा, उनको छोटा मकान अलाट कर दिया, बड़ा मकान पहले अलाट हुआ, फिर छोटा मकान अलाट हुआ। तो छोटे मकान के अलाट होने के बाद उतने परेशान हो गए कि बोलने लगे जी हमको ऐसे है जी, वैसे है जी, हमको बड़ा मकान चाहिए था जी, हमको बड़ा मकान मिल गया था जी, हमें बड़ा मकान खाली क्यों करा दिया थे। तो ये सांसदों का जो बेसिकली एक जो स्तर पे जो गिरावट आई है, जो मकान के लिए लड़ते रहते हैं वहां पे, तमाम सुविधाओं के लिए लड़ते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि राहुल गांधी भी उसी कैटेगरी में होंगे और मकान के लिए आके गिड़गड़ाएंगे। तो राहुल गांधी ने वो मकान के लिए फेल कर दिया। अब राहुल गांधी अपने घर पे चले गए, घूम भी रहे हैं लगातार। अब समस्या यह आ गई है कि रमाशंकर कटेरिया की जहां तक बात आ रही है, तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, 2016 में अमरेली से भाजपा के सांसद थे नारायण भाई। नारायण भाई की सदस्यता जानी चाहिए थी क्योंकि वो भी 3 साल के लिए कन्विक्टेड हो गए थे, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं ली गई। कन्विक्शन के बावजूद नारायण भाई की सदस्यता नहीं ली गई, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रमाशंकर कठेरिया की सदस्यता ले ली जाएगी। अब रमाशंकर कठेरिया के सामने एक और समस्या है भारतीय जनता पार्टी के सामने, रमाशंकर कठेरिया दलित हैं। रमाशंकर कठेरिया सेम उसी बिरादरी से संबंध रखते हैं जिस बिरादरी से मायावती संबंध रखती हैं। रमाशंकर कठेरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपनी जाति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, जो खास करके आगरा अलीगढ़ के बेल्ट जो है, और पुराने संघ के स्वयं सेवक हैं। तो भाजपा और भाजपा के नेताओं में एक दुविधा भी है कि अगर रमाशंकर कठेरिया की हम सदस्यता लेंगे, अकेले ना चाहिए 24 घंटे के अंदर, राहुल गांधी के लिए तो आपने इतना कराया था, और अगर रमाशंकर कठेरिया का नहीं लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आप कितने दोहरी राजनीति कर रहे हैं। तो लेकिन रमाशंकर कठेरिया के चूंकि नेता पुराने हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, बड़े कद के दलित नेता हैं, तो डरते भी हैं कि अगर सदस्यता लेंगे तो इलेक्शन ईयर है तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। रमाशंकर कठेरिया पहले मंत्री, उनको मंत्री पद से भी इन्होंने शायद हटाया है, जहां तक मेरी जानकारी है मंत्री भी थे तो उनको हटा दिया गया था। तो उसका भी एक रिएक्शन था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि एक दलित जो नेता है और वो जो केंद्र में मंत्री थे उनको हटा दिया गया था। और चूंकि मायावती के एक प्रभाव के बीच से उस जाति के विशेष से कुछ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो उनको इग्नोर करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो रमाशंकर कठेरिया में एक पॉलिटिकल इशू भी है कि अब यह भाजपा यहां पे दुविधा में फंसेगी। लोकसभा स्पीकर को देखना होगा और लोकसभा स्पीकर रमाशंकर कठेरिया पे फैसला लेने से पहले 10 बार सोच रहे होंगे, आरएसएस के नेताओं से बात करेंगे क्योंकि वो बेसिकली आरएसएस से आए हुए हैं रमाशंकर कठेरिया, वो भाजपा के डायरेक्ट नहीं है। और उसी ढंग से उनको प्रधानमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं रमाशंकर कठेरिया को लेकर। बाकी जो लोकसभा के जो अपने जो अध्यक्ष महोदय हैं लोकसभा के, उनके व्यवहार को लेकर और उनके जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो वो पक्षपाती जो आरोप लग रहे हैं, तो वो तो सामने सारा कुछ दिख रहा है कि राहुल गांधी का ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन उठा था कि राहुल गांधी का जो सूरत कोर्ट का ऑर्डर था उनके पास आया भी था कि नहीं आया था, क्या सिर्फ अखबार की खबरों के आधार पर ही उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो राष्ट्रपति महोदया जारी करती है, तो ये भी क्वेश्चन उठा था कि सेक्रेटरी जनरल ने क्या राष्ट्रपति महोदया को भेजा था जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो मामला था। तो ये तमाम उनके प्रक्रिया जो हुई थी, जो उनको लोकसभा की सदस्यता खत्म करने की जो प्रक्रिया थी, उस पर तमाम सवाल उठे थे। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो वर्किंग है उस पर तो आपको सामने नजर ही है। तो अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव एक मेन फैक्टर है जिसमें राहुल गांधी के सामना करने से मोदी डर रहे हैं। जी जेपी साहब, ये अगर कठेरिया साहब को कल निलंबित नहीं करते हैं, पार्लियामेंट सदस्यता खत्म नहीं करते हैं, तो एक तरह से खुल्लम खुल्ला रूल ऑफ लॉ, राजनीतिक और संसदीय मर्यादा की धज्जियां उड़ाना होगा। नहीं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन उनके पास टेक्निकल ग्राउंड है ना कि देखिए कठेरिया साहब टोरेंट वाले मामले में उनकी सदस्यता गई है,
और कठेरिया साहब जो है बीजेपी संघ जो सब पृष्ठभूमि अभी संजीव जी ने बताई और आपने उसको स्वीकार भी किया, तो ये कह सकते हैं ना कि अभी उसका हमको ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिला है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे खत्म कर दें, क्योंकि उसमें जो पार्टी टोरेंट है अब वो तो जाएगी नहीं। सब जो आपका आदेश जो हुआ है एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश जो है वो जाएगा चीफ सेक्रेटरी के पास, यूपी के चीफ सेक्रेटरी उसको जब लोकसभा भेजेंगे तब तो कठेरिया की सदस्यता खत्म होगी। ये सब इन्हीं सब आधार पर सर, राहुल गांधी हाँ, मामले में 24 घंटे के अंदर त्वरित सारे कागज आ गए थे लोकसभा, वो आ गए थे तो ये पूछेगा कौन कि आ गए थे कि नहीं आ गए थे, पूछे तब तो वो बताएंगे, वो तो कह देंगे कि हाँ आ गया था। क्योंकि भाई राहुल गांधी के मामले में भाजपा के एक एमएलए जो है वो क्या कहते हैं पार्टी थे। अब सवाल इस बात का है कि जब जज साहब ने केवल एक तो चार लाइन का निर्णय सुनाया, ऑपरेटिव हिस्सा और डिटेल नहीं भेजा, इसके बाद भी राहुल गांधी की सदस्यता शुरू हो गई और उन्होंने जब जून में छुट्टी के बाद आए तब उन्होंने जजमेंट दिया, सुनाया पूरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट में 66 दिन तक वो जो है धक्का परेड करता रहा। उन्होंने कहा साहब बड़ा डिटेल में इसमें कारण लिखना पड़ेगा, ये लिखता है सब लिखा उन्होंने, मैक्सिमम सजा क्यों दी इस पर एक लाइन नहीं लिखा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में और 63 सीटर वार्ड के मामले में और 40 सीटर जनरल गुजरात के ही हैं, उनको गुजरात हाई कोर्ट के बचाव में आना पड़ा। अब उससे तो लगता है कि जज साहब ने फैसला लिखा था या लिखा हुआ फैसला उनको दिया गया था दस्तखत करने के लिए, ये भी आरोप हो सकता है। जी संजीव जी, आखिर 40 सीटर जनरल जो है गुजरात हाई कोर्ट की ओर से क्यों उन्होंने माफी मांगी कि आप जो है इसमें ज्यादा तल्ख टिप्पणी मत कीजिए, उससे जो है हौसला टूटे, किसका हौसला टूटेगा? अगर गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ही जो है वो न्यायपालिका का ही एक हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट अगर गुजरात हाई कोर्ट या उसके नीचे की अधीनस्थ न्यायपालिका अगर कुछ गड़बड़ी करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर पास करता है तो 40 सीटर जनरल कौन होते हैं उसको जो है वो कि उसके लिए माफी मांगने वाले या उसके लिए लीनियंसी बरतने का रिक्वेस्ट करने वाले, कोई प्राइवेट पार्टी तो है नहीं, वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल है जो है न्यायपालिका का। तो ये भी एक शोध और उसका विषय हो गया है, तमाम वीडियो इसमें भी बन रहे हैं कि जब गवाई ने जो है धोना शुरू किया तो जो है तुषार मेहता लगे माफी मांगने, अरे मान्यवर जाने दीजिए उस पर बहुत ज्यादा तल्ख टिप्पणी मत कीजिए, तो उन्होंने क्यों कहा भाई वो सरकार तो नहीं थी ना गुजरात की हाईकोर्ट, और गुजरात के हाईकोर्ट के जज भी सरकार के पार्ट नहीं थे, जुडिशरी का पार्ट थे, तो उनके ऊपर अगर कोई तल्ख टिप्पणी गवाई नहीं कोई भी पीठ हो गुजरात अगर केंद्र सरकार की उसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट की वो अगर कोई टिप्पणी कर रही है तो उसमें उनको कहने की क्या जरूरत, उनको माफी मांगने उनकी तरफ से क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो सरकार की ओर से उपस्थित हुए थे ना, वो हाईकोर्ट की ओर से तो उपस्थित नहीं हुए थे, हाईकोर्ट को जब नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्यों माफी मांगी, ये सवाल है कि नहीं है आप बताइए। निश्चित रूप से जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से और बहुत राजनीतिक सवाल है। अगर कल राहुल गांधी की सदस्यता कल परसों में नहीं बहाल होती है तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग राहुल गांधी के बारे में है और मैं सोच सकता हूं कि राहुल गांधी खुद नहीं जाके वहां पे गिड़गिड़ाएंगे, कांग्रेस के लीडर्स इसको मुद्दा जरूर बनाएंगे। जेपी साहब ने पहले कहा कि सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है और राहुल गांधी ने भी तबीयत से राजनीति की, लोगों के बीच चले गए, खेत में चले गए, ट्रैक्टर में घूम रहे थे, सब्जी मंडी घूम रहे थे और कोई मुद्दा नहीं बनाया अपने से, हालांकि लोग इस पे लगातार बोलते रहे। जी जेपी सर, आपकी टिप्पणी, फिर संजीव जी की टिप्पणी लेते हैं। नहीं, राहुल गांधी के वहां जाने का सवाल ही नहीं गिड़गिड़ाने का, अगर अधिकतम होगा ये नहीं बयान करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जो है वो क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी की ओर से जा सकते हैं कि साहब देखिए अभी तक सदस्यता बहाल नहीं की गई, कितने प्रोड्यूसर हैं, और मैं जानता हूं कि अगर वहां गया तो उस वहां जाके सुनवाई होने के पहले की कोई तल्ख टिप्पणी हो उनकी सदस्यता तत्काल बहाल हो जाएगी। अब ढिठाई का जवाब ढिठाई से भी कभी कभी देना पड़ता है, कहा ही जाता है सरे साठे समाचरे, तो सवाल इस बात का है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो हमने चूड़ी पहन रखी है क्या कि हम राजनीति नहीं करेंगे? तो चूड़ी पहन के भी राजनीति के लोग करते हैं, आजकल लोग चूड़ी पहन के भी राजनीति करते हैं, टठिया के ओट से राजनीति करते हैं, घूंघट ओढ़ के राजनीति करते हैं, अब रामदेव बाबा तो सलवार महिला का सलवार पहन करके भागे थे वहां बाल खोल के अपना,
दिल्ली के रामलीला मैदान से, आज तक उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं करने दिया कि उन्होंने क्यों जो है बाल खोल के महिला का सलवार पहन के भागे थे। बहुत बात आपने सुनी होगी, उनकी जो आंख बैठी हुई है वो भी जब हंसते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। संजीव भाई सही ढंग से बता सकते हैं क्योंकि हरियाणा को ये काफी अच्छे तरह से देख रहे हैं वहां बैठ के। कभी उनकी मुद्रा देखिएगा, जब वो ऐसे मुस्कुराते हैं तो उनकी आंख भी मुस्कुराती है, वो जो बैठी वाली आंख। क्या राहुल गांधी अब राजनीतिक रूप से बहुत मच्योर हो गए हैं, वो इस पे राजनीति करेंगे? मैं इस मामले पे थोड़ा सा एक बड़ा तीखी टिप्पणी दूंगा। नरेंद्र मोदी की लाठियों से बहुत लोग समझदार हो गए हैं और उसमें राहुल गांधी भी एक हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2013 में लालू यादव की सदस्यता गई थी, आपको थोड़ी सी बात याद होगी, वो भी किसी मामले में कन्विक्ट हो गए थे। मनमोहन सिंह थोड़ा उनको बचाना चाहते थे, एक अमेंडमेंट शायद पार्लियामेंट में लाने का था, कोशिश की जा रही थी जिससे कि लालू यादव की सदस्यता बची रहे। आपको याद होगा कि यंगरी यंग विंग की एकदम भूमिका में राहुल गांधी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शायद गए और उन्होंने वो पूरा उसको फाड़ के अपने ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मनमोहन सिंह के उस फैसले पे क्वेश्चन उठा दिया था और बाद में शायद मनमोहन सिंह उसके कारण पीछे हट गई, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने वो अमेंडमेंट नहीं किया। और आप ये देखिए कि समय का फेर देखिए, राजनीति का फेर देखिए कि सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर गए, शाम को फोटो आया, आपको याद होगा, देखे होंगे, कल से बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड है। तो ये मजबूरियां बहुत सारे लोगों को समझदार बनाती है, मजबूरियां जो बहुत लोगों को जो है आपस में मिलने को मजबूर करती है। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को एकजुट होने का भी एक मौका दिया है अपने जो उनकी नीति है, चाहे उनके जो चाल चलन जो प्रधानमंत्री किया जाए, उनकी सरकार का जो कार्य है, चाहे ईडी का कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो। देखिए ईडी और सीबीआई अगर एक्टिव नहीं रहती तो शायद ही विपक्ष एकजुट नहीं होता। नरेंद्र मोदी यहाँ पे चूक रहे हैं अब कि वो सब पे इकट्ठा लाठी चला रहे हैं और वो इकट्ठा लाठी में देखिए जो ममता बनर्जी का जो स्टैंड था लगातार कांग्रेस के अगेंस्ट बोलती थी, आपको अगर याद होगा साल भर पहले तक, अब वो ममता बनर्जी कांग्रेस से ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रही है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। अरविंद केजरीवाल को तो कहा ही जाता था कि आरएसएस के बी टीम है, आरएसएस के एजेंट है, या जो भी हो भाजपा के बंदे हैं, आरएसएस से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने विपक्ष को एकजुट किया है और नरेंद्र मोदी की नीतियों ने विपक्ष को समझदार भी बनाया है, नहीं तो 2019 में यही विपक्ष था आपके सामने, ये कहां एकजुट हो पाए थे, विपक्ष लड़ने के लिए तो तैयार नहीं थे। लेकिन 2024 में इनको समझ में आ गया कि ये हमारा लास्ट इलेक्शन होगा अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम इकट्ठे नहीं हुए तो, हम छोटी मोटी जो भी अपने स्वार्थ हैं और अपने जो भूल के एकजुट होके कम से कम इस नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने की कोशिश करें। और इसमें आज राहुल गांधी भी आपको समझदार हो रहे हैं, इनको 2013 में याद हो रहा होगा कि राहुल गांधी जैसे कैसे लालू यादव की सदस्यता जाने की बात आ गई थी या लालू यादव को लेकर जो अमेंडमेंट सरकार करना चाह रही थी उसका इन्होंने खुद विरोध किया था। तो अब जब बाबा रामदेव की भी मैं एक बात करना चाहता हूँ, रामदेव के साथ हम ये कह सकते हैं कि रामदेव जो भी कर रहे थे, रामदेव का चाल और चरित्र क्या है, मैं रामदेव पे कोई क्वेश्चन तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उस समय रामदेव लोकतांत्रिक तरीके से रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे आरएसएस के बैकग्राउंड से ही कर रहे हो, आरएसएस की मदद ही कर रहे हो। पी चिदम्बरम ने जो कार्रवाई करी उस दिन दिल्ली पुलिस के द्वारा, आज वही पी चिदम्बरम की दिल्ली पुलिस इनके साथ क्या व्यवहार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, या वही ईडी सीबीआई जो पी चिदम्बरम जिस समय होम मिनिस्टर में रहते हुए जो सरकारी एजेंसियों को जिस ढंग से उन्होंने अंधाधुंध पावर दिया और राजनेताओं के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया, और तो और बड़े राज्यों में प्रो कॉर्पोरेट के कारण तमाम कुछ आंदोलनों को भी उनके द्वारा दबाया गया, सख्त कानून लाए गए। पी चिदम्बरम को समझ में आ गया कि लोकतांत्रिक ढांचों को बचा के रखना जरूरी होता है। आज रामदेव पे जो लाठी पड़ी इनके समर्थकों पे भी वैसी नरेंद्र मोदी की सरकार और दिल्ली पुलिस से लाठी बरसाती है, आपने दिल्ली में देखा होगा पिछले 5-7 सालों में। तो मेरा यह मानना है कि सत्ता में रहते हुए नेता का व्यवहार लोकतांत्रिक होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे ममता बनर्जी हो। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में न रहने पर तो ये लोकतांत्रिक होते हैं, इनको लोकतंत्र याद होता है, संविधान के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स इसको याद आने लगते हैं नेताओं को,
सत्ता में आने के बाद फिर वही करने लगते हैं, संविधान का खुलेआम वायलेशन करते हैं, पुलिस का वैसे ही दुरुपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई का वैसे ही दुरुपयोग करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आपको याद होगा सीबीआई को तोता कहा था, ये किसका टाइम था, ये मनमोहन सिंह का टाइम था। उस समय ही अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीबीआई के तोते वाले कैरेक्टर को न तोड़ के अगर उसको स्वतंत्र बना देते तो आज तो सीबीआई का रोना कांग्रेस नहीं होती ना। कांग्रेस उसको कभी देखे हमने सीबीआई को कितना स्वतंत्र बना दिया है, ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन, आपको याद होगा कि कांग्रेस के टाइम में ही ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन को बेलगाम पावर दिया इन्होंने, कांग्रेस की सरकारों ने। आज रो रहे हैं कि ईडी हमारे पीछे लग गई। अरे भाई, लोकतांत्रिक जो संस्थाओं को, जो संस्थाएं जांच एजेंसियों को अगर आप अंधाधुंध पावर देंगे, गैर लोकतांत्रिक पावर देंगे, तो ये आप देखिए तो उसका इस्तेमाल आपके ऊपर भी भेजा होगा। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी की समझदारी तब आई है, इनका दिमाग तब खुला है जब जांच एजेंसियों ने इनका गर्दन पकड़ना शुरू कर दिया, तब इनको लगा। जब ये उस समय पावर दे रहे थे तो ये तो समझ रहे थे कि 2014 में भी हम सत्ता से नहीं जाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि 2024 में हम सत्ता से नहीं जाएंगे, हम फिर आएंगे। मोदी को लेकर जो तमाम नारे गढ़ रहे हैं इनके समर्थक और सोच रहे हैं कि मोदी जो है कभी चुनाव से हार ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के लोगों को भी यही गलतफहमी थी। और सत्ता और प्रकृति का एक नेचुरल नियम होता है, प्रकृति अपने हिसाब से न्याय करती है, कोई भी तानाशाह और अगर कोई जो बहुत बड़ा सोचता है कि हम अजय हैं, अमर हैं, उनकी विदाई होनी तय होती है, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनकी विदाई होगी, अपने हिसाब से होगी, नेचर कर देगा इनकी विदाई। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी को समझदारी तब आई है जब जांच एजेंसियों की और तमाम नरेंद्र मोदी के लगातार जो अटैक इन पे हो रहे हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से उन्होंने घेर लिया, तब इनको लगा कि नहीं भाई, हमें तो अब समझदार होना पड़ेगा, नहीं तो ये 2019 तक इनकी आप पूरी गतिविधि देख लीजिए कैसी थी इनकी। जी फाइनल कमेंट जेपी सर। देखिए सर, ये प्रकृति का नियम जैसे है वैसे ही है ना, कि कल हम संपादक थे, आज हम संपादक नहीं है, पैदल रिटायर हो गए, उम्र हो गई। अगर यही सब चल रहा होता तो ना हिटलर जो है हटता, न सालाजाल हटते, न मुसोलिनी हटता, है ना, न सम्राट अशोक का जो है खानदान कहीं है, सम्राट अकबर का खानदान कहीं है जो बहुत बड़े बड़े महान माने जाते थे, आपसे बता रहे, औरंगजेब का कहीं है, सुंग का कहीं है, तो कहने का मतलब कि सब चंद्रगुप्त मौर्य। अरे ऐसा वैसे ही है कि हम अपने कंधे पर रख के चला रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है चलाने की, क्योंकि हमको मानसिक रूप से इतना गुलाम बना दिया गया है कि हम सोचते हैं कि उस रेस में और वो हमारे पिछवाड़े चार लात मारते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि पुष्यमित्र सुंग के खानदानी है मार रहे हैं, तो इनके मारने में कोई जो है मतलब वो नहीं है, नहीं क्या कहते हैं, मतलब वो नहीं, उससे हम मोक्ष पाने का रास्ता हमारा खुल गया, एक मोक्ष की अवधारणा बन गई है। पहले वीर गति पाने से लोग मैदान में मोक्ष प्राप्त करते थे, अब जो है 90 साल की उम्र में बीमारी से जूझ जूझ के मर गए, हाँ लात जिंदगी भर खाए हैं तो मोक्ष प्राप्त करने की गारंटी है कि तुम मोक्ष प्राप्त करो, ये स्थिति है सर। तो दुनिया नश्वर है, कोई नहीं है, कल हम रहेंगे, कल हम नहीं रहेंगे, आज हैं, कल नहीं थे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम ही रहेंगे, आप बता रहे हमारे अलावा कोई नहीं रहे जी, तो इसका क्या करेंगे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिये, जो शासन में जब बंदा बैठता है ना, तो शासक जो वर्ग होता है या जो भी टॉप पे बंदा होता है जिसके दिमाग में थोड़ा सा राजा के योग गुण आ जाते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के बजाय सोचा कि हम एकदम अश्वमेध यज्ञ छोड़ने वाले, अश्वमेध यज्ञ करने वाले यागा हैं, और अश्व का यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है, कोई पकड़ के दिखा दे, तो ये प्रवृत्ति माइंडसेट में आ जाए, तो देखिए वो राजा तो होता है, वो कहीं आसपास से बड़ा ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है, तो आप देखिए, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये जो होता है लेकिन साथ में ज्ञान ग्रहण करने के साथ साथ ही उसको देखना चाहिए कि अगर आस पड़ोस में कुछ और घटनाएं घट रही है तो उसको उससे ज्ञान भी लेना चाहिए, कि सिर्फ अगर आप उसके तानाशाही से, उसके लंबे शासन से कुछ ज्ञान ले रहे हैं तो ये देखिए कि उसका, ये भी देखिए कि उसका बाद में हश्र क्या हुआ। जैसे अभी आपके सामने कल ही है, इमरान खान गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए, 3 साल की सजा हो गई खान साहब को। खान साहब इतना ताकतवर नेता हो गए थे कि महीने 3-4 महीने पहले तक सेना के उस पर अटैक कर रहे थे, सेना के अड्डों पर अटैक कर दिया था उनके समर्थकों ने, और खान साहब को तो इस तरीके से अरेस्ट किया गया कि आप सोच नहीं सकते कि अदालत में उनकी गैर हाजिरी में सजा सुना दी गई, उनके वकील साहब भी नहीं थे, वकील साहब को आर्गुमेंट करने का भी मौका भी नहीं मिला, और उनके एब्सेंस में जज ने सजा सुना दी, सजा सुनाने के 2-3 घंटे के अंदर लाहौर से उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रधानमंत्री जी
तुर्की के जो शासक एर्दोगान है या और जो आसपास के कुछ जो शासक हैं जो अपने आप को बड़े ताकतवर शासक हैं उनसे कुछ ना कुछ हमको लगता है कि ग्रहण करते हैं कि देखिए ये कितने लंबे समय तक शासन कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति पुतिन है, राष्ट्रपति जिनपिंग है, उसी ढंग से और भी कई आपको शासक मिलेंगे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि उन देशों में एक अलग तरह का सिस्टम है, अलग व्यवस्था है, एक ही नस्ल के लोग रहते हैं। चीन में तो एक ही नस्ल के हान चाइनीज ज्यादा हैं, अब भारत में अलग अलग नस्ल है, अलग अलग भाषा है, बहुत डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे उस तरह के ज्ञान ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत ही राजा के मूड में शासन करेंगे, वो बड़ा उसको मुश्किल हो जाती है। ये देश जो है बहुत ही डाइवर्सिटी लिए हुआ देश है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक करेक्टर में अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। अगर कोई बड़े सऊदी अरब के राजा या तुर्की के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो एर्दोगान है उनकी तरह अगर उनसे कुछ प्रेरणा लेके अमेरिकी रशियन राष्ट्रपति पुतिन या चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग से अगर कोई प्रेरणा लेके इस मुल्क पे शासन करना चाहता है, एबीसीडी कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि अकेला नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे उससे पहले इंदिरा गांधी थी, तो उन सबों को एक ना एक बार जनता ने यहाँ झटका दिया है। यहाँ का सिस्टम भारत का बड़ा ही अजीब सा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। जी जी सर, देखिए सर, आप राजनीति में ही देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू चीन के युद्ध के बाद उनका जो प्रभाव मंडल था वो क्षीण होने लगा था, खैर उसके बाद वो चले भी गए। इंदिरा गांधी लगातार जो है वो क्या कहते हैं सफलता के कदमों को चूमती हुई ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी जब गुड गवर्नेंस में फेल होने लगी तो उनको अपनी सरकार को एन के एन प्रकार रेन बचाने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी और जनता ने उनको नकार दिया, वो दोबारा सत्ता में आई, उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी कितने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए लेकिन वो भी जब गुड गवर्नेंस में फेल होने लगे तो उनको भी लोगों ने नकार दिया। नरसिम्हा राव आए, आने के बाद ये आर्थिक उदारीकरण उन्हीं के कार्यकाल में मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे शुरू हुआ, लेकिन अयोध्या कांड इस तरह का हुआ उसमें नरसिम्हा राव शामिल हुए, अन्ना शामिल, उनकी मिली भगत इस तरह की आई कि वो अगले चुनाव में जो है कांग्रेस को ले डूबे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 13 महीने के बाद फिर 5 साल की सरकार चुनी और इंडिया साइनिंग कर रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी का बैड गवर्नेंस के सरकार के बैड गवर्नेंस के कारण जो है वो सत्ता चली गई। फिर आपका यूपीए सरकार आ गई, यूपीए सरकार एक ही चुनाव नहीं 2 चुनाव लगातार जीती, लेकिन दूसरे चुनाव में जिस तरह घपले घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति पैदा हो गई, मंदी पैदा हो गई, गुड गवर्नेंस में जो है जनता को लगा कि कमी आ गई, जनता के निगाह से उतर गए, तो इससे मोदी कहाँ छूते रह सकते हैं अगर उनको गलतफहमी है कि नहीं सफल। देखिए जनता सफलता का पर्यायवाची है जनता का समर्थन, आप देखते होंगे फिल्म में भी लगातार फिल्म हो रही है और जो है हीरो हीरोइन से लेके उसी के बाद जहां फ्लॉप होना एक दो तो फ्लॉप हुआ तो बगल से गुजरते हैं तो भी कोई नोटिस नहीं लेता कि ये बगल से गुजर रहे हैं, तो सफलता का कोई पर्यायवाची नहीं है। लेकिन जहां बैड गवर्नेंस करेंगे तो ये जनता बड़ी निष्ठुर है या जो समर्थक हैं वो बड़े निष्ठुर हैं या जो भक्त हैं आपके वो बड़े निष्ठुर हैं, आपको तुरंत जो है वो क्या कहते हैं थाली के बैगन की तरह लुढ़काने में उनको देर नहीं लगेगी। जी चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और कल हमारी नजर बनी रहेगी, कल देखते हैं कि राहुल गांधी मामले में और रामशंकर कठेरिया मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या निर्णय लेते हैं। साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ईवीएम का, लगातार अंबेडकर नामा पर आप ईवीएम पे भी बहस आप सुन रहे होंगे, पहले कल ईवीएम पे एक खास चर्चा आयोजित की जाएगी। ईवीएम अब फिर पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दा बना रही, पहले सोशल एक्टिविस्ट मुद्दा बनाते थे लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी ईवीएम के मसलों को उठा रहे हैं, उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। कल देखिएगा ईवीएम विशेष, देखते रहिए अंबेडकर नामा, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सर।